हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एनटीए के ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट हैं वो नीट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा www.nta.ac.in। याद रखिएगा, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in। जब आप www.nta.ac.in पर जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मॉक टेस्ट। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मॉक टेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप मॉक टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होके आएगा। सर्वर काफ़ी लो चल रहा है तो थोड़ा स्लो चलेगा। देखिए, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा जिसमें आपको अपना नीट सेलेक्ट करना है। पहले ये नीट के लिए ओपन नहीं होता था, अब नीट के भी मॉक टेस्ट इसमें अपलोड कर दिए गए। नीट के मॉक टेस्ट के बाद आपको इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों स्टार्ट द मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट द मॉक टेस्ट पे आपका नाम सिस्टम नेम से अपने आप हो जाएगा। ये एक डेमो अकाउंट आपका होगा। आपको इसमें यूज़र नेम और इसमें कुछ फिल नहीं करना है, डायरेक्ट सीधा आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको मीडियम चूज़ करना है कि आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं। सपोज़ देखिए, आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होंगे। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे कि पेपर का ड्यूरेशन जो नीट का वो 180 मिनट्स का होता है। करेक्ट सर्वर द सर्वर से चूज़ करेंगे। देखिए, ये सारे आपको इसमें ऑप्शन दिखेंगे। तो डेली इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आप इनको रीड करेंगे। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन के बाद आपको क्लिक करना है आई हैव रीड द अंडरस्टूड एंड प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका नीट का बायोलॉजी का जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, 3 घंटे का जो है वो टाइम है। इसमें टोटल आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। और देखिए, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द हार्डवुड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट इन इट, इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल एफिशिएंसी। तो यही वाला रॉन्ग है। चलिए, नेक्स्ट आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे सेव नेक्स्ट, सेव मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। हम करते हैं सेव नेक्स्ट। देन क्वेश्चन है अलेक्जेंडर बोर्ड हम बोर्ड, तो इन्होंने स्पीच एरिया रिलेशनशिप दिया था। सेव नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ द डेड सेल फेलम। इसका भी आंसर, इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा, सॉरी फेलम। एंड फिर इसको हम नेक्स्ट करेंगे। देन वैस्कुलरकैम्बियम इज नॉर्मली गिव राइज टू द वैस्कुलरकैम्बियम, किसको जन्म देगी। तो हमने जैसे मार्क किया सेकेंडरी जाइलम। एंड फिर क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ द पॉलीफेरन स्पंजोसील द लाइन बाय द फ्लेजिलेटर सेल इट इज़ कॉल्ड क्वेनोसाइट। तो ऐसे आपको सारे ऑप्शन इसमें 90 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको अटैम्प्ट करने होंगे। ये 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद जैसे आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे तो नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का। सबमिट का जैसे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसमें बताएगा कि नंबर ऑफ द क्वेश्चन 90 थे, आपने केवल, वैसे मैंने 4 का ही आंसर दिया, 4 का ही आंसर आपने दिया, मार्क फॉर रिव्यू 0 है, नॉट आंसर्ड ये सब 0 है। फिर उसके बाद आप चाहेंगे कि यस करना, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। और व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते ही आपका व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमने जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो चारों हमारे सही हुए। एंड प्लीज़ प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ द फीडबैक, यहाँ पर वो फीडबैक मांगते हैं स्टूडेंट का कि उनका मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। एंड इज द टोटल क्वेश्चन, तो NTA इस बार नीट करा रहा है तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप लोग सब ये मॉक टेस्ट जरूर एक बार देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।